Hello, Uchu. Let's read this question. The question says, write down the long-term effect of consuming alcohol in human life, especially during adolescence. So here, the key concept is alcohol abuse. So ज़्यादातर ये एडोलेसेंस के टाइम पर ही होता है. Which is the age of 12 to 18 years. यहाँ पर बच्चे जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं अल्कोहल का, पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, एकेडमिक प्रेशर में. तो अल्कोहल के अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं. अब हमने स्टार्ट कर दिया, हमने अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या क्या उनको कॉम्प्लिकेशन आएंगी, जैसे कि उनको एंगर इश्यूज होने लगेंगे, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन एंड ऑल. उसके अलावा उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, उनका लीवर डैमेज हो जाएगा. अब लीवर डैमेज को हम एक और नाम देते हैं, वो है काइरोसिस. उनको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, एंजाइटी, ये सब बहुत नॉर्मल इश्यूज हैं जो उनके साथ हो सकते हैं. ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.